फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो आपका क्या होगा? और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां पर रात सिर्फ 40 मिनट की होती है? और क्या आप जानते हैं कि हमें कभी कभी नींद में गिरने की अनुभूति क्यों होती है? आज आप इस वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो देखने के बाद आपकी हालत भी कुछ ऐसी होगी। सॉरी, ऐसी नहीं बल्कि ऐसी होगी। इतनी खुशी मुझे आज तक। नंबर 10, गाइस, साइकोलॉजी के अनुसार पुरुषों को मुस्कुराती हुई लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और वो उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। वही अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में यह चीज उल्टी होती है, यानी महिलाओं को कम मुस्कुराते हुए लोग ज्यादा पसंद आते हैं। इसीलिए अगर आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो अपनी चमक की दुकान को कम ही खोले। नंबर 9, गाइस, कभी कभी हमें गहरी नींद में अचानक गिरने की अनुभूति होती है, क्या आप इसका कारण जानते हैं? गाइस, यह प्रॉब्लम आम प्रॉब्लम है। यह प्रॉब्लम सबके साथ घटित होती है। इस प्रॉब्लम का नाम हिपनिंग जर्क है। गाइस, हमारा दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, यानी हमें कब उठना है, कब सोना है, सब कुछ हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। लेकिन गाइस, जब हम सोते हैं तो हमारी धड़कने धीमी पड़ जाती हैं और हमारी आंखें बंद होती हैं और हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि यह इंसान मर गया है या केवल आराम कर रहा है। इसी कारण इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा दिमाग हमें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा दिमाग शरीर के अंदर का पार्ट है, इसी कारण वो हमें हाथ पकड़ के नहीं जगा सकता है। इसी कारण दिमाग एक स्मार्ट तरीका निकालता है हमें जगाने के लिए। इसके लिए दिमाग हमारी आंखों के सामने ऐसी इमेज बनाने लगता है जिसमें हम ऊंचाई से गिर रहे हो और ऐसा सपना देखकर हम हड़बड़ाकर उठने लगते हैं। गाइस, इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे ये रीजन है कि हमारा दिमाग हमें जगाने की कोशिश करता है। गाइस, दिमाग तो दिमाग है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? नंबर 8, गाइस, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे भारतीय 1 रुपए के सिक्के को नष्ट करने या फिर पिघलाने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को इंडियन कॉइन एक्ट 2011 के अधीन अधिकतम 7 साल तक की कैद भी हो सकती है। इसीलिए प्लीज यार, सिक्के को नष्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। नंबर 7, गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंडियन गैस सिलेंडर के साथ आपको स्वतः ही 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है? जी हाँ गाइस, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल ये इंश्योरेंस आपको इसीलिए दिया जाता है ताकि अगर कभी आपका गैस सिलेंडर फट जाए तो उस नुकसान की भरपाई हो सके। गाइस, लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी पता है। नंबर 6, गाइस, क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर रात केवल 40 मिनट की होती है? पर ऐसा क्यों? गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसा हमारी पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। पृथ्वी का झुकाव नॉर्वे की जमीन को पूरी तरह से सूर्य की रोशनी में रखता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर दिन तो 24 घंटे का होता है लेकिन रात नहीं होती है, और रात होती भी है तो वह भी केवल 40 मिनट की ही होती है। नंबर 5, गाइस, आपने ब्लैक होल का नाम तो जरूर सुना होगा जो कि इस पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु है। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल में अगर आप गिर गए तो आपका क्या होगा? गाइस, अगर आप कभी ब्लैक होल में गिर गए तो आप इस पूरे यूनिवर्स की बिगनिंग से लेकर एंडिंग तक दोनों देख पाएंगे और आप इस यूनिवर्स के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच जाएंगे जहां से आपका वापस आना पॉसिबल नहीं है, यानी आप अनंत की यात्रा में चले जाएंगे। नंबर 4, गाइस, आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इस दुनिया में करीब एक दिन में 2 लाख से ज्यादा हवाई जहाज उड़ान भरते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी उड़ान भरने के बावजूद भी केवल 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज में बैठ पाई है। गाइस, क्या आप कभी हवाई जहाज में बैठे हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 3, गाइस, अगर आपका भी सपना है विदेश घूमने का और आपके पास पैसे नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वियतनाम एक ऐसा देश है जहां पर भारत के 100 रुपए की कीमत करीब 31,300 रुपए के बराबर है। इसी कारण आज ही जाएं, बिल्कुल भी न करें। नंबर 2, गाइस, आप जब भी कभी ग्रीनलैंड का नाम सुनते हैं तो आपके मन में आता होगा कि ग्रीनलैंड हरियाली से भरा हुआ एक क्षेत्र है। लेकिन गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड का 85% हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे, चल झूठ।
नंबर वन गाइस, आपने अगर अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज देखा हो तो उसमें 50 सितारे आपको नजर आएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सितारे आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज पर क्यों लगाए गए हैं? दरअसल गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सितारे अमेरिका के राज्य को प्रदर्शित करते हैं, यानी अमेरिका में 50 राज्य हैं, इसी कारण अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज पर भी 50 सितारे हैं। गाइस, क्या इससे पहले तक आपको इन अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।